स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल आशीष सर। आज इस वीडियो लेक्चर में आपको बताएंगे टेंस एंड टाइम के बारे में। देखिए, टेंस क्या होता है। टेंस, जैसे आप इंग्लिश ग्रामर अगर पढ़ते हो ना, तो टेंस अगर आपको नहीं आता है तो आप कभी भी इंग्लिश बोल नहीं सकते हो। अगर आपको इंग्लिश बोलना है, सीखना है, तो आपको टेंस आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहा जाता है टेंस इज द बेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज अच्छे से बोलना है तो आपको टेंस आना ज़रूरी है, क्योंकि टेंस क्या होता है, इंग्लिश लैंग्वेज का आधार है। अगर मान लो आप कोई घर बनाते हो ना, तो उस घर में जब तक आप नींव को नहीं रखते हो, तब तक आपका घर तैयार नहीं होगा। तो वैसे भी अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, इंग्लिश बोलना चाहते हो, तो आपका क्या है, टेंस नींव है, उस घर का नींव है। अगर आप नींव ही आपका भी मजबूत नहीं होगा, तो आपका घर भी मजबूत नहीं होगा। उसी प्रकार बच्चों, आपको क्या करना है कि टेंस को अच्छे से, टेंस पे आपको अच्छा पकड़ होना चाहिए। अगर टेंस पे आपका अच्छा पकड़ नहीं है, तो आपका इंग्लिश जो बोलना चाहते हो वो सही से बोल नहीं पाओगे। इंग्लिश स्पोकन आपका अच्छा नहीं हो पाएगा, इंग्लिश का ग्रामर आपका अच्छा नहीं होगा। तो टेंस आना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, इस वीडियो में आपको बताते हैं टेंस एंड टाइम के बारे में। टेंस क्रिया का वह रूप जो कार्य के होने के समय साथ ही साथ उसके जारी रहने या पूर्ण होने की स्थिति को दर्शाता है। देखिए, टेंस क्या होता है कि क्रिया का वह रूप, मतलब जैसे वर्ब का वह रूप, इसमें क्या बताएगा, पहली बात तो बताएगा टाइम के बारे में। अगर कोई सेंटेंस आप लिखते हो ना, बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं बनता है। ध्यान रखना, दुनिया का कोई भी सेंटेंस अगर आप बनाओगे ना, तो बिना वर्ब के संभव नहीं होता है। ठीक है, तो आप वर्ब क्या करता है, पहली बात तो टाइम बताता है। टाइम बताने के साथ साथ वो क्या करता है, उस कार्य को, उस कार्य जो आपका टाइम वाला वर्क रहेगा, उसके वर्क के बारे में बताएगा कि वर्क हो चुका है कि होने वाला है, तो इसके बारे में आपको बताता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि टेंस सीखने से पहले आपको टाइम सीखना होगा। टाइम क्या होता है, देखिए मैं आपके सामने एक घड़ी का स्ट्रक्चर बनाया हूँ, पहले आप बताता हूँ कि टाइम क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका घड़ी है, ये जो छोटी छोटी वाली सुई होती है इसको बोलते हैं आप हावर्स, ये जो बड़ी वाली सुई है इसको बोलते हैं आप मिनट। अब देखिए बच्चों, आपको बताते हैं, ये जो बड़ी वाली सुई यहाँ, छोटी वाली सुई यहाँ है, बड़ी वाली सुई यहाँ है, तो हम पूछेंगे कि बताओ इस समय, अभी समय क्या हो रहा है, तो आप बोलोगे सर कि अभी जो प्रेजेंट समय है आपका, वो है आप का 12:20। कितना है बच्चों, 12:20। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहां पर क्या है कि 12:20 हो रहा है, तो 12 बज चुका होगा। तो जो 12 बजा होगा, पहले 12 बजा तब तो 12:20 हुआ ना, तो इसके बाद वो आपका टाइम क्या हो गया, पास्ट टाइम हो गया। क्या हो गया, पास्ट टाइम। जो 12 बजे अगर हम पूछा जाए तो हो गया आपका पास्ट टाइम। अब देखिए क्या है कि जब 12:20 हो गया, तो 12:30 होगा ना, 12:30 बजेगा ना, तो जो 12:30 बजे आपका समय होगा उसको बोलते हैं फ्यूचर टाइम। इसी प्रकार बच्चों, आपका क्या किया गया है, टेंस को डिवाइड किया गया। ध्यान रखना, आपको टाइम समझ में आ गया ना, टाइम से ही लिया गया है आपके टेंस के बारे में। देखो, टाइम को आप तीन ही भागों में डिवाइड कर सकते हो, कभी भी उसे चार भागों में डिवाइड नहीं कर सकते हो। ध्यान रखना, एक कौन सा समय प्रेजेंट समय होता है, एक पास्ट समय होता है, एक फ्यूचर समय होता है। देखिए, अब उसी प्रकार आपको क्या कर दिया गया है, अगर कोई आपसे पूछता है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कह देना कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, जैसे आपका टाइम होता है वैसे आपका टेंस होता है। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा आपका टेंस हो गया पास्ट टेंस, तीसरा आपका हो गया फ्यूचर टेंस। देखिए, अभी तो मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, अभी मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि टेंस तीन प्रकार कैसे बने हैं। इसी टाइम से ही आपका क्या बना है, टेंस का प्रकार बने हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और टेंस बताता है कि काम अभी पूरा हुआ है कि जारी है। ठीक है, इसी के द्वारा पता चलता है। एक वर्ब ही आपका बताता है कि इसका टाइम बताता है, किसी भी सेंटेंस का वर्ब ही उसके टाइम के बारे में बताता है। ध्यान रखना, जैसे मैंने कह दिया कि मेरा भाई कल लौटेगा। चलिए अब बताइए इसमें कौन सा टेंस है। देखिए, अगर इसमें मैं टेंस की अगर बात करता हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सा टेंस है। ध्यान रखिए, और देखिए इसमें जो टाइम है ना आपका, जो टाइम की मैं अगर बात करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, इसमें जो टाइम है आपका ना, उस वो है आपका फ्यूचर,
क्या है फ्यूचर। देखिए वर्ब कभी फ्यूचर नहीं होता, वर्ब केवल क्या होता है, वर्ब प्रेजेंट या पास्ट में होता है, ध्यान रखना वर्ब प्रेजेंट और पास्ट में होता है, वर्ब कभी फ्यूचर में नहीं होता है, कभी भी फ्यूचर में वर्ब नहीं होगा। देखिए टाइम केवल फ्यूचर में होता है, टाइम जो आपका होता है वह फ्यूचर में होता है। अब देखिए इसका जो अगर हम टेंस की बात मैं करता हूँ तो ये टेंस आपका हो जाएगा प्रेजेंट टेंस, ठीक है। अभी मैं इसके बताऊंगा आगे क्यों प्रेजेंट टेंस होगा, ध्यान रखना ये आपका कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस। जब भी आप इसका ना इंग्लिश बनाओगे, आप इसको ट्रांसलेट करोगे तो आपका होगा ये प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत ही। चलिए अब आगे हम बताते हैं आपको कि टेंस के प्रकार कैसे बांटे गए हैं, कैसे डिवाइड किया गया है, टेंस क्या होता है, वह सब। अगर हम बात करते हैं कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं, देखिए टेंस तीन प्रकार का बना तो बना कैसे, देखिए अभी हमें आपको बताया ना कि टेंस तीन प्रकार के बना कैसे है, टाइम से ही आपका टेंस बना। जैसे टाइम होता है प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम होता है, ठीक है। जैसे अभी आप जो भी समय हो रहा है तो आपका प्रेजेंट समय हो गया है, जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ प्रेजेंट समय हो गया है, ठीक है। आप पढ़ नहीं रहे थे इसके पहले, कुछ और समय आपका रहा होगा, जो आपका टाइम अभी इस समय एग्जैक्ट हो रहा है उस टाइम से पहले भी समय हो रहा होगा तो आपका पास्ट टाइम हो गया। इसके बाद इस टाइम के बाद भी कोई टाइम होगा वो होगा आपका फ्यूचर टाइम, जो आपका कल होगा वो आपका होगा फ्यूचर टाइम। तो ध्यान रखिएगा कि उसी टाइम से ही आपका टेंस बना, क्योंकि चैप्टर का ही नाम है टेंस एंड टाइम, मतलब ये जो टेंस बना है टाइम से ही लिया गया। देखिए टेंस और टाइम में अंतर क्या होता है, ध्यान रखना जो आपका टेंस है एक ग्रामेटिकल टर्म है और जो टाइम है आपका ये यूनिवर्सल कंसेप्ट है, ध्यान रखिए ये ग्रामेटिकल टर्म नहीं है, ये यूनिवर्सल कंसेप्ट है। अब देखिए जो आपका टेंस है, टेंस क्या करता है, टेंस में आपका किसी भी समय के बारे में नहीं दर्शाएगा, ऐसा कोई समय नहीं आता है कि जो ये दर्शाता है, इसका वर्ब समय दर्शाता है, टेंस में जो वर्ब होते हैं वे समय दर्शाता है, कभी टेंस नहीं समय दर्शाता है, ये जो वर्ब होते हैं उसके टेंस के ये समय दर्शाता है, ध्यान रखना। और जो ये टाइम होता है यूनिवर्सल कंसेप्ट होता है, खुद समय दर्शाता है, ध्यान रखिए एक साल दो साल चार साल ये क्या करता है, ये स्वयं दर्शाता है। तो ध्यान रखना टाइम और टेंस में इतना ही अंतर होता है, टेंस आपका ग्रामेटिकल टर्म है और टाइम आपका ग्रामेटिकल टर्म नहीं है, ये यूनिवर्सल कंसेप्ट है जो आप फिजिक्स में पढ़ते हो। तो उसी प्रकार क्या किया गया है, इसी टाइम से टेंस बना है, ध्यान रखना इसी टाइम के इसी के प्रकार के इस प्रकार में लिए गए हैं। तो चलिए हम बताते हैं आपको कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं, पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, तीसरा होता है फ्यूचर। अब देखिए प्रेजेंट पास्ट हो गया, लेकिन सर इसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, अब टेंस इसके आगे क्यों लगाते हैं, ध्यान रखना। जैसे इसका नाम है टेंस, टेंस माने काल, जैसे आपके पिताजी का नाम होगा कोई, फिर आपका नाम है कि नहीं है, तो आपके पिताजी के नाम के पीछे एक सरनेम लिखा जाता है, ठीक है। सरनेम मतलब जैसे आपके पिताजी अगर यादव हैं, ठीक है, तो आपके नाम के पीछे भी यादव लिखा जाएगा, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि आपके पिताजी यादव हैं तो आपके पीछे के नाम के पीछे कोई और टाइटल लिखा जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा, मुमकिन नहीं है ऐसा, ठीक है। तो वैसे ही जैसे टेंस है तो वैसे क्या है प्रेजेंट, तो प्रेजेंट के बाद इसका जो सरनेम होता है उसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, इस सरनेम ऐसे चला जाता है ध्यान तक आगे तक जाता है, तो हो जाता है पास्ट टेंस और तीसरा हो जाता है फ्यूचर टेंस, ध्यान रखना। अगर मैं इसकी हिंदी की बात मैं करता हूँ तो इसको बोलते हैं हिंदी में वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या होता है, ध्यान रखना, जो समय चल रहा है, जो समय जैसे तुम मुझसे पढ़ रहे हो, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ये समय हो गया वर्तमान काल, क्या हो गया वर्तमान काल। अगर मैं इसकी पहचान की बात करता हूँ तो इसके हिंदी के वाक्य में आता है हूँ और हो, ठीक है। अगर इंग्लिश की मैं बात करता हूँ इज आर एम, ठीक बच्चों हैज और हैव ये सब चीज़ें आती हैं, ध्यान रखना। अगर मैं इंग्लिश की बात करता हूँ तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस क्या करता है, वो एग्जैक्ट समय को बताता है कि कौन सा जो समय चलता है उसके बारे में बताता है, ठीक है, जो समय चल रहा है। अगर कोई भी हिंदी के वाक्य में अगर लास्ट में क्या आ जाता है हूँ हो की मात्राएं आ जाए तो उसे बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। देखो लास्ट में हो आया कि नहीं आया, तुम मुझसे पढ़ रहे हो, लास्ट में हो आया कि नहीं आया, ठीक है। वहाँ गाना गा रही है, सीता खाना बना रही है, राम चाय पी रहा है, ये सब वाक्यों में है आ रहा ना, तो जिन वहाँ हिंदी के वाक्यों में है हूँ हो की मात्राएं आए उन्हें बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, क्या बोलते हैं प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। चलिए अगला स्टेप आपको हम बताते हैं, दूसरा नंबर जो आपका होता है उसको बोलते हैं पास्ट टेंस। देखिए पास्ट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। भूतकाल
जो समय आपका गुजर चुका है या बीत चुका है उसको बोलते हैं भूतकाल। जैसे इसके अगर मैं पहचान की बात करता हूँ तो था थी थे की मात्राएं आती है लास्ट में। अगर मैं इंग्लिश की बात करता हूँ तो वाज आएगा, वाज और वर। ध्यान रखना ये जो वर है आपका इसको वेयर नहीं पढ़ेंगे हम लोग, इसको वर पढ़ेंगे। ध्यान रखना बहुत सारे बच्चे इसको वेयर पढ़ते हैं, ये वर है आपका। तो देखिए अगर इसकी मैं इंग्लिश इसको और देखिए हैड, ठीक है, हैड भी इसी के अंतर्गत आता है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जो पास्ट टेंस होता है, जो आपका समय गुजर चुका है उसको बोलते हैं पास्ट टेंस। ध्यान रखना पास्ट टेंस क्या करता है, इसके हिंदी वाक्यों में था थी थे की मात्राएं आती हैं। इंग्लिश की मैं बात करता हूं तो वाज वर और हैड का प्रयोग होता है। जैसे मैं कह दिया कि वह कल विद्यालय विद्यालय नहीं गई थी, नहीं गई थी। अब देखो लास्ट में थी की मात्राएं आई ना, तो क्या हो गया, पास्ट हो गया, पास्ट टेंस हो गया। तो ध्यान रखना ये आपका पास्ट टेंस। चलिए अब आपको बताते हैं फ्यूचर टेंस क्या होता है। देखिए फ्यूचर टेंस आपका होता है जो समय आने वाला है उसे फ्यूचर टेंस बोलते हैं। जैसे गा, गी और गे। इसके अगर पहचान की मैं बात करता हूँ तो इनके हिंदी के वाक्यों में गा, गी, गे की मात्राएं आएंगी। जैसे आगे आप करेंगे इंग्लिश की मैं बात करता हूँ, विल, शैल का प्रयोग होता है इसके हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो ध्यान रखना बच्चों क्या होता है कि जो आपका समय आने वाला है उसको बोलते हैं हम फ्यूचर टेंस बोलते हैं। तो ये आपको हो गए तीनों प्रकार के टेंस। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ प्रेजेंट टेंस क्या होता है और टेंस के स्वरूप क्या होते हैं। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, पास्ट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, फ्यूचर टेंस कितने प्रकार के होते हैं, चलिए मैं आगे। माने वर्तमान काल, देखिए वर्तमान काल क्या होता है कि वर्तमान काल को चार भागों में डिवाइड किया गया। देखिए जो आपका एक होता है ना प्रेजेंट, इनडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यह होते हैं आपके टेंस के स्वरूप हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये जो आप टेंस पढ़ते हो ना, चाहे प्रेजेंट टेंस पढ़ो आप, चाहे पास्ट टेंस पढ़ो, चाहे फ्यूचर टेंस पढ़ो, आपको ये स्वरूप चारों में देखने को मिलेंगे। तो आपका जो पहला टेंस है प्रेजेंट टेंस, जिसको हम बोलते हैं वर्तमान काल, जो समय आपका चल रहा है उसी को हम बोलते हैं वर्तमान काल। देखिए वर्तमान काल क्या होता है, प्रेजेंट टेंस को चार भागों में डिवाइड किया गया है। देखिए पहला आपका जो होता है प्रेजेंट इनडिफिनिट टेंस, इसको एक और नाम से बुलाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं सामान्य वर्तमान काल। देखिए सामान्य वर्तमान काल क्या करता है कि आपका जो समय होता है वो आपके समय के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द की मात्राएं के रूप में बताता है। ठीक है, अभी इस वीडियो में आपको इसके बारे में बताया जाएगा। देखिए कह रहा है प्रेजेंट, दूसरा जो आपका होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसका नाम कॉन्टिन्यूअस भी है, इम्परफेक्ट भी है, प्रोग्रेसिव टेंस है। ध्यान रखना अगर कोई कह दिया प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस मतलब समझ जाना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर रहा है, कोई बोल दिया प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा हो, कोई बोल दिया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ही है, जिसको बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान काल, जिसके हिंदी के वाक्यों में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द की मात्राएं पाई जाए उन्हें बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। ध्यान रखना इस वीडियो में आपको पूरा बताया जाएगा। होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूर्ण वर्तमान काल। देखिए पूर्ण वर्तमान काल क्या होता है, जिसमें आपका काम पूरा हो जाता है जिन हिंदी वाक्यों में, उसको बोलते हैं पूर्ण वर्तमान काल। देखिए जो सेंटेंस में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द की मात्राएं पाई जाए उन्हें बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ध्यान रखना लास्ट वाला जो आपका आता है चौथा नंबर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको बोलते हैं पूर्णापूर्ण वर्तमान काल। जैसे देखिए पूर्णापूर्ण वर्तमान काल क्या होता है कि जिन हिंदी वाक्यों में रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय दिया हो उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ध्यान रखना ये सब जो आपके आएंगे रहा है, रही है, ता है, ती है, ते है, चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द क्या है हिंदी के लास्ट में आएंगे, वर्ब के रूप में आएंगे। ध्यान रखना ये चीजें, ये आपके प्रेजेंट टेंस चार प्रकार के होते हैं। चलिए हम बताते हैं प्रेजेंट इनडिफिनिट टेंस, इनडिफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए सामान्य वर्तमान काल क्या होता है, अगर मैं इसकी पहचान की हिंदी की बात करता हूँ तो इस पहचान क्या होता है, जो मुख्य क्रिया होती है आपकी, जो वर्ब होता है, ठीक है, वर्ब में क्या होता है आपका ता है जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है, वर्ब में आपका ता है जुड़ जाता है, ता है, ती है, ते है,
इत्यादि की मात्राएं जुड़ जाती हैं इसमें, ठीक है। जैसे मान लो आपका होता है खाना, ठीक है, वर्ब क्या हो गया खाना, तो क्या हो जाता है खाता है, क्या हो जाता है खाता है, ठीक है, ये जो ना है हटके ता है हो जाता है, ध्यान रखना। जैसे मैं कह दिया हुआ है अंग्रेजी बोलता है, तो बोलता है इसका वर्ब हुआ क्या बोलना, क्या होगा बोलना, लेकिन क्या है बोलता है, तो यह हो जाएगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कह सकते हो जिन हिंदी वाक्यों के लास्ट में ता है, ती है, ते है आदि शब्द की मात्राएं पाई जाए, उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर आपके सामने ऐसा स्ट्रक्चर आता है, तो पहले हमें क्या करना है, इसका टेंस पहचानना है कि टेंस कौन सा है। देखिए अगर कह दिया गया वह अंग्रेजी बोलता है, तो पहले हम लास्ट में देखेंगे, यहाँ लास्ट में क्या है कि था है कि गा है, ठीक है, इसके बाद हम टेंस का पता लगाएंगे। लेकिन इसके लास्ट में क्या है तो हो गया प्रेजेंट टेंस, अगर था होता तो पास्ट टेंस हो जाता, गा होता तो फ्यूचर टेंस होता। फिर हम लगाते हैं पता कि प्रेजेंट टेंस है तो है, लेकिन प्रेजेंट टेंस में कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस चार प्रकार के है ना, तो प्रेजेंट टेंस में कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्यों लास्ट में ता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल भी याद आना चाहिए, कि रूल भी पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या होता है, तभी तो आप इसको ट्रांसलेट कर पाओगे ना। अगर रूल ही नहीं पता तो ट्रांसलेट कैसे कर पाओगे बताओ तुम्हें। अगर तुम्हें मैथ लगाने के कह दिया गया, आपको दे दिया गया, अगर सवाल दे दिया गया कि चलिए भाई इसको बताते हैं, ये आपका कर्ण है और ये आपका आधार है, और ये कर्ण बराबर 5 सेंटीमीटर, आधार बराबर 3 सेंटीमीटर, तो आप इसको क्या लंब को बताइए कि लंब कितना है, तो आपको जब पाइथागोरस प्रमेय पता रहेगा तभी तो आप लगा पाओगे ना। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र ही नहीं पता तो आप इसको कैसे सवाल लगा पाओगे, तो आपको पाइथागोरस का प्रमेय पहले याद होना चाहिए। तो उसी प्रकार इस इंग्लिश को आपको टेंस ट्रांसलेट करने के लिए आपको पहले सबसे पहले क्या होना चाहिए, इसका रूल पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब हो तो हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल याद रहना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या होता है। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल की मैं बात करता हूं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दो रूल है, दोनों रूल में एक ही में मिला के लिख दिया हूं। देखो पहले क्या होता है, अफर्मेटिव की मैं बात करता हूं, तो सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो देखो सब्जेक्ट के बाद आता है मेन वर्ब, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो यस या यस लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो यस या यस लगाने की कोई जरूरत नहीं, ध्यान रखना। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब के बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट, ध्यान रखना। ये तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस आई एस लगाना है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो एस आई एस नहीं लगाना है, ध्यान रखना। अगर नेगेटिव की मैं बात करता हूं उसका, तो सब्जेक्ट के बाद डू और डज का प्रयोग होता है। देखो डू का प्रयोग कहां होता है, डज का प्रयोग क्या होता है, अगर आपका सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर है तो हम डज का प्रयोग करेंगे, ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम डू का प्रयोग करते हैं। देखिए इसके बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं नेगेटिव फॉर्म में, इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ध्यान रखना। इसके बाद मैं बात करता हूं इंट्रोगेटिव की बात करता हूं, तो डू और डज बाहर आ जाते हैं, जिसका हिंदी होता है क्या, ठीक है, अगर कोई भी एक्जिलरी वर्ब पहले आ जाता है तो उसका हिंदी होता है क्या, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना बच्चों यहाँ पर कि प्लस इसके बाद सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, इंट्रोगेटिव है प्रश्नवाचक वाक, आप सर कहोगे प्रश्नवाचक वाक लगाए ही नहीं है तो हमारा क्या सेंटेंस सही है, नहीं सही होगा। तो आपको ध्यान रखना लास्ट में आपको एक प्रश्नवाचक वाक लगाना पड़ेगा, जब तक आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की प्रश्नवाचक वाक लास्ट में नहीं लगाते हो तो आपका पूरा सेंटेंस गलत हो जाता है, ध्यान रखना। तो लास्ट में आपका क्या होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जिसमें क्या होता है प्रश्न भी पूछा जाता है और नेगेटिव फॉर्म भी होता है। देखिए प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, डब्ल्यू एच फैमिली, कोई भी आपका डब्ल्यू बने जो डब्ल्यू से शुरू हो, व्हाट वेयर, ठीक है, व्हेन, ये सब क्या है डब्ल्यू से शुरू होता है। एच की मैं बात करता हूं तो एच माने हाउ, ठीक है, हाउ। इसके बाद अगर देखो अब फैमिली माने जो इन दोनों से रिलेटेड हो, डब्ल्यू एच से रिलेटेड हो। इसके बाद प्लस डू और डच का प्रयोग होता है, डू का प्रयोग बताया है आपका प्लूरल नंबर में सब्जेक्ट जब प्लूरल होता है, और डच का प्रयोग जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है। इसके बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद हमें अगर निगेटिव फॉर्म बनाना है तो नॉट लगाना पड़ेगा, इसको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है, जाना। अब ऑब्जेक्ट आने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क, ध्यान रखना ये चीजें। अगर मैं इसकी बात करता हूँ ट्रांसलेट करने की बात करता हूँ, तो ध्यान रखना अगर कोई भी इंग्लिश आप क्या करना, हिंदी को अगर आपको इंग्लिश में बनाना है तो हमको उसमें क्या पहचानना चाहिए, पहले नंबर सब्जेक्ट पहचान में आना चाहिए, उसके बाद हमको ऑब्जेक्ट पहचान में आना चाहिए, उसके बाद मुख्य क्रिया हमको पहचान में आना चाहिए, ध्यान रखना। अब इसमें हम अगर सब्जेक्ट की बात करता हूँ तो है आपका क्या है सब्जेक्ट है, तो हम पहले लिख देंगे ही। देखिए आपका सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, देखो पहले सब्जेक्ट, इसके बाद आपका मेन वर्ब क्या होता है, देखो जिसमें एक्शन होती है, जिन क्रियाओं में एक्शन होती है उसको बोलते हैं वर्ब बोलते हैं, जैसे बोलता है, ठीक है, तो बोलता है क्या होता है हिंदी में,
बोलना, अब बोल रहा है तो एक्शन कर रहा है ना, तो क्या हो गया आपका वर्ब हो गया। अब देखो बोलना है तो क्या हो गया स्पीक, स्पीक। अब देखो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो आप यस लगा देंगे स्पीक्स। अब इसके बाद क्या बोलता है इंग्लिश, तो इंग्लिश को हम ऐसे इंग्लिश लिख देंगे, ध्यान रखना ठीक है। आया समझे, अगर मैं इसके नेगेटिव की बात करता हूँ तो लिख देंगे ही डज नॉट, मतलब ही डज नॉट स्पीक, तब आपका यस हट जाएगा इंग्लिश, ध्यान रखना बच्चों। तो इसका हो जाएगा वह ही डज नॉट, ठीक है, वह अंग्रेजी नहीं बोलता है। अगर मैं इसकी इंटरगेटिव की मैं बात करता हूँ तो डज बाहर आ जाएगा आपका, डज ही, ठीक है, डज ही स्पीक इंग्लिश, ध्यान रखना, मतलब क्या वह अंग्रेजी बोलता है। लास्ट में अगर मैं बात करता हूँ वाई डज ही स्पीक इंग्लिश, तो ध्यान रखना कि वह अंग्रेजी क्यों नहीं बोलता है, ध्यान रखना। ये लास्ट वाले का आपका हिंदी हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समाप्त होता है, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपको अगले वीडियो में मिलेगा, तब तक हमारे वीडियो को आप लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद।